हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, अगर आप तो उसमें अगर आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। लाइक आपका जब फ़ोन बिजी रह रहा होगा तो कोई आपको फ़ोन करता है तो आपका फ़ोन नहीं आ रहा है, आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ है तो भी आपको अगर फ़ोन कर रहा है तो आपको किसी और नंबर पे फ़ोन आ जाए, तो उस तरह का कॉल फॉरवर्डिंग आप एंड्रॉइड फ़ोन में किस तरह से कर सकते हो। जब हम लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे तो उस समय पे बहुत इजी होता था कॉल फॉरवर्ड करना, बट अभी के टाइम में सेटिंग में ढूंढना पड़ता है। तो वो सेटिंग में किस कहाँ होता है और किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है, आज की वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ। प्लस अगर आप किसी से ज़्यादा ज़्यादा घंटों घंटों अगर बात करते हैं और उस समय अगर कोई आपको फ़ोन करता है और उसके फ़ोन पर आपका नंबर बिजी बताता है तो आप उसे चेंज करके स्विच ऑफ, ऐसा वो स्विच ऑफ बोलेगा, ऐसा आप सेटिंग कर सकते हैं। तो आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को कोई पार्ट स्किप ना करें। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष आर्यन और आप देख रहे हैं टी फॉर टैक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉल फॉरवर्ड करने के लिए आप सबसे पहले चले जाएंगे अपने कॉलिंग के वहाँ पे जहाँ से आप कॉल करते हैं, वहाँ जाने आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग में जाना है। कॉल सेटिंग में आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से कॉल वेटिंग को भी ऑन कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि जब किसी से बात कर रहे हो तो दूसरा भी कॉल आपके फ़ोन में आए तो उसके लिए आप कॉल वेटिंग को ऑन कर लेंगे। कॉल वेटिंग ऑन कर लेंगे और यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग का आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करेंगे और आप किस तरह का कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। लाइक जब आप बिजी होंगे तो, या फिर जब आप आंसर नहीं देंगे तो, या फिर जब आपके फ़ोन में किसी का फ़ोन ना लगे तो उस समय पे वो किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप किस तरह का फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने ये लोडिंग ले रहे हैं, सेटिंग को रीड कर रहा है, तो हम इसे रीड करने देते हैं। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ। तो ये रीड कर चुका है कम्प्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑलवेज फॉरवर्ड, और दूसरा है वैन बिजी, और तीसरा है वैन अनएंसर्ड, और चौथा नंबर पे जो हमारा आता है व्हेन अनरीचेबल। अगर आप बिजी होंगे उस समय पे आप चाहते हैं कि आपका जो कॉल है वो किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे व्हेन बिजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी नंबर डालेंगे जिस आप चाहते हैं कि उस नंबर पे आपका कॉल जाए जब आप बिजी हो। यहाँ पे आप वो नंबर डालेंगे, तो मैंने नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद यहाँ से आप टर्न ऑन कर लेंगे। आप टर्न ऑन करेंगे तो ये अपडेट सेटिंग करेगा और उसके बाद ये यहाँ पे आपका सेटिंग को ऑन कर देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे और उसी समय अगर आपको अगर दूसरा फ़ोन आता है तो वो नंबर जो है वो आपके दूसरे वाले नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बिजी भी हैं तो आपके दूसरे नंबर पे वो फ़ोन आ जाएगा, तो आप इजीली उसे भी पिकअप कर सकेंगे। और अगर आप किसी से लंबा बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको फ़ोन करे तो आपका नंबर जो है उसे स्विच ऑफ बोले, तो आप जैसे ही कोई आपको फ़ोन करेगा तो वहाँ पे आप अगर बिजी होंगे तो उसके पास स्विच ऑफ का नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, ऐसा नहीं बोलेगा कि आप बिजी हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप सेम वैन बिजी पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे आप कोई ऐसा नंबर डालेंगे जो नंबर की तो आपका बंद रहता है, जो नंबर की तो अभी यूज में नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा नंबर डाल देंगे जो कि तो वैलिड नहीं है, वो नंबर डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे उस समय पे अगर वो फोन करेगा तो उसे आप स्विच ऑफ का नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि आप जब भी वो आपको फोन करेगा तो उसका फोन में सिर्फ स्विच ऑफ बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि आप बिजी हैं। तो इस तरह का आप सेटिंग बना सकते हैं आराम से अपने फोन से, और इस तरह से कॉल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो के देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।